आप में से इतने सारे लोगों ने पाँच छः सात के जी वेट लूज कर दिया मेरे वाटर फास्टिंग वीडियो के बाद आई फील सो हैप्पी बट दैट जब आप मुझे रिजल्ट भेजते हैं मुझे अपना वेट लॉस की कहानी बता रहे दैट्स इनक्रेडिबल एक अच्छे न्यूज़ के बीच में एक जो समस्या थी वो ये थी कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा कि या तो हम भी फास्टिंग कर ही नहीं सकते बिकॉज फास्टिंग के दौरान हमें बहुत ज़्यादा सिर दर्द यानी कि हेडेक होता है या दूसरी चीज़ जो काफ़ी ने बोला कि आपने एक दिन तो फास्ट कर दिया पर उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लग गया इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर दर्द एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है फास्टिंग के दौरान और आप अकेले नहीं अगर आपको सर दर्द है फास्टिंग के दौरान नहीं कर सकते वेट लॉस कर पाए अपने बॉडी को ऑटोफजी में डाल पाए ऑटोफोजी क्या होता है मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो जो बनाया था वाटर फास्टिंग के बारे में उस पर जो यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पे भी है और फास्टिंग के सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे जिससे कि आपको डायबिटीज इंसुलिन सब कुछ अंडर कंट्रोल रहेगा एनवी अगर आपको हेडेक्स होते हैं और होने के चांसेस है ये कुछ रीजन हैं जिसकी वजह से आपको हेडेक होते हैं सबसे जो मेजर रीज़न जो सबके साथ होता है वो है कैफ़ीन विड्रॉल अब कैफीन चाय में भी होता है कॉफी में भी होता है चाय में थोड़ा कैफीन होता है कॉफी में ज़्यादा कैफीन होता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जब लोग फास्टिंग करने लग जाते हैं अब आपको सबको ज़्यादातर आदत होती है या तो चाय या कॉफ़ी पीने की जब आप फास्टिंग कर रहे हैं क्योंकि आप चाय नहीं पीते अब दूध वाली आपको विद्रॉल्स होने लग जाते हैं अब काफ़ी लोग जो ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं फास्ट के दौरान भी उनको इतने हेडेक्स नहीं होते मैंने हर वीडियो में क्लियरली बताया कि आप जब वॉटर फास्टिंग कर रहे हैं आप कुछ नहीं खा पी सकते सिर्फ दो चीज को पी सकते हैं ब्लैक कॉफी यानी कि थोड़ी से पानी में थोड़ा सा कॉफी पाउडर उसमें ना चीनी ना दूध कुछ भी नहीं होगा या आप पी सकते हैं ग्रीन टी यानी कि गर्म पानी उसमें ग्रीन टी का बैग या लीव्स ना चीनी ना दूध अगर आप ये दोनों चीजें पी रहे हैं शायद आपका हेडिक्स कम होंगे तो अगर आपको हेडिक्स अवॉइड करने आप जब फास्ट शुरू करने वाले हैं आपने जब लास्ट मील खा लिया उसके बाद जब फास्ट शुरू करने वाले एक छोटा सा ब्लैक कॉफी का शॉट ले लीजिए या ग्रीन टी का कप पी लीजिए अगर आप तीन दिन का फास्ट करने की कोशिश करें तो आई सजेस्ट ब्लैक कॉफ़ी का शौक क्योंकि जो कैफीन ग्रीन टी में होता है वो थोड़ा सा कम होता है तो ये एक तरीका है आपके हेड को प्रिवेंट करने का जो दूसरी चीज़ है वो इसलिए होता है क्योंकि आप जब फास्टिंग करने लग जाते हैं पहली बार 16-18 घंटे के बाद आपका ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप होने लग जाता है अब इसका कारण ये है कि हम जब फास्टिंग करते हैं अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि फास्टिंग से पहले हम सब कुछ खा लेंगे उसके बाद हम तीन दिन फास्ट कर लेंगे प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है तो आपका जो लास्ट मील है फास्टिंग का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हेड को अवॉइड करने के लिए तो अगर आपने कुछ शुगरी खाया कुछ ऐसा अगर आप मतलब फास्ट के पहले तो ऑब्वियसली आप पिज्जा बर्गर आइसक्रीम केक डिजर्ट वो तो बिल्कुल ना खाइए बिकॉज उसके बाद आपका जो ग्लाइसिमिक है वो इतना हाई हो जाएगा जब वो नीचे आने लग जाएगा आपको हेड का जरूर क्रैश आएगा तो एब्सलूटली नो जंक फूड फास्ट के पहले दूसरी चीज़ आप कोई भी फ्रूट अवॉइड कर दीजिए बिकॉज फ्रूट में भी शुगर होता है तो अगर आप उसको अवॉइड करेंगे उससे आपका इंसुलिन स्पाइक भी नहीं होगा ड्रॉप भी नहीं होगा तो आपको हेडेक भी नहीं आएगा द बेस्ट थिंग आप फास्ट के पहले आपका जो लास्ट मील होता है उसमें या तो प्रोटीन रिच फूड्स हो यानी कि पनीर है टोफू है चिकन है एग्स हैं क्योंकि उससे मतलब होगा प्रोटीन स्लो डाइजेस्टिंग होता है ज़्यादातर आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होता रहेगा इसका वजह से आपको हेडेक्स कम होंगे दूसरी बात आप जब प्रोटीन्स और उसके साथ सेलड खाएंगे या कोई भी सब्जियाँ खाएंगे उससे आपके जो वाइटमिन प्रोफाइल है वो भी अच्छे रहेगी तो तीसरी चीज़ होती है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को हेडेक्स होते हैं वो होता है डिहाइड्रेशन आप जब फास्टिंग कर रहे हैं मैं जब फास्ट कर रहा हूँ तीन दिन का मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीता हूँ बिकॉज़ तो उससे भी आपका इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है पर मैं जरूर एक दिन में दो या तीन ग्लास पानी हमेशा पीता हूँ अगर मुझे ज़्यादा प्यास लगती है तो मैं ज़्यादा पी लेता हूँ और ऑनिस्टली फास्टिंग के दौरान मेरे को इतनी प्यास लगती भी नहीं पर हाइड्रेशन इज़ इंपॉर्टेंट अगर आपको लगता है कि आप डीहाइड्रेटेड हो गए हैं तो पानी इज इंपॉर्टेंट अब आपके इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स को बैलेंस करने के लिए और मेनटेन करने के लिए मैंने आपको बताया ऑलरेडी वीडियोज़ में आपको ज़रूर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा मेरा पहला वाटर फास्टिंग का वीडियो जरूर देखिएगा मेरे इंस्टाग्राम पर जो आई की स्टोरीज़ होती हैं ऊपर मेरी प्रोफाइल पर उसी पर एक स्वाइप अप लिंक है उस वाटर फास्टिंग के वीडियो के लिए सबसे इजी तरीका आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए फास्टिंग से पहले एक ग्लास पानी में एक ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा सा काला नमक थोड़ा सा नींबू का जूस डाल दीजिए अगर आपके पास बीसी का कोई पाउडर है तो वो भी डाल दीजिए नहीं है तो नो प्रॉब्लम नींबू काला नमक और एप्पल साइडर विनेगर इन अ ग्लास ऑफ ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कर देगा और जो नींबू से आपको विटामिन सी मिलेगी दैट्स गोना मेक श्योर कि आपका जो विटामिन प्रोफाइल है वो भी नॉर्मली ठीक रहेगा आई रियली होप कि ये चीज़ें आप इनक करेंगे अपना फास्ट शुरू करने से पहले जैसे कि आप जब फास्ट कर रहे हैं आपको मज़ा आए बिकॉज आई नो कि अगर हेड होने लग जाते हैं तो फास्ट का मज़ा नहीं आता मुझे अब तो हेडिक्स नहीं होते पर पहले पहले जब हेड होते थे फिर मैं अपनी बॉडी की देखभाल करता था मैं फास्ट ब्रेक कर देता था बिकॉज जब आप फास्टिंग कर रहे हैं अगर आप अच्छे मूड में आपका फास्ट भी बेहतर जाता है अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कोई सवाल है तो कॉमेंट्स में लिख दीजिएगा एंड आई ट्राई टू आंसर दम एंड आई रियली होप कि आपकी फास्टिंग जर्नी इनक्रेडिबली जा रही है और अगर आपने काफी फास्ट कर हैं तो कंग्रेचुलेशन एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू बिकॉज इट डज लिटिल बिट ऑफ विल पावर एंड डिटर्मिनेशन आई होप की आपकी फास्टिंग जर्नी इस वीडियो के बाद और भी बेहतरीन हो जाएगी एंड यू लूज अ लॉट ऑफ वेट एंड यू लुक यंगर एंड यू फील ग्रेट आई लव यू नोट बिग पुची